रक्षा मंत्री ने सेना में जवानों के साथ दशहरा मनाया, तमवाग बॉर्डर पर शस्त्र पूजा की। सुरक्षा बलों से बोले, देश को आप पर गर्व। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तमवाग में LSC के पास भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाया। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के जवानों से बात की और उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि देश के जवानों ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हुआ है। दुनिया के लोग मानने लगे हैं कि आर्थिक रूप से भारत सशक्त हो रहा है। सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। जिस कठिन परिस्थितियों में आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। देशवासियों को आप पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की जमीनी हकीकत का भी जायजा लिया। सेना के जवानों ने उन्हें अरुणाचल के बुमला में भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री विजयदशमी के मौके पर विशेष पूजा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने तमवाग वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी रक्षा मंत्री के साथ रहे। राजनाथ सिंह 2 दिनों के अरुणाचल और असम दौरे पर हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।